नहीं अभी तुम सीधा मेरे को इडली दे दो बस, एकदम क्या इडली चटनी है ना। प्लेन की तरह वो हो जाती है और पीछे फ्रिज है और ओवन है। बच्चों सर आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाँ मेरी नहीं बस 17 सीटर होती है, एक होती है 14 सीटर, एक 17 सीटर। अभी मेरी खास मेरी 17 है, ये पता नहीं 17 है कि सीटें निकाल देनी पड़ती हैं और उसको पूरा डेस्क फर्टिफिकेट करना। मेरे आदमी ने दो बार दिखाया। हाँ जी आई नंदिनी नंदिनी आइए। नंदिनी लो जय माई की, जय माई की। इनको ना अल्सर हो गए मुंह में, तो इनको अलग रखा हुआ है। किनको? इनको सारी जगह सबको अल्सर हो गए। हाँ, तो क्या क्या डालते हैं उसमें आप, क्या करके रखते हैं? डॉक्टर को बुलाया था, वेटरनरी मेडिसिन। अराउंड 35 के आसपास है। हम लोग बीच में कहना है किसी को दान में उनसे प्रोग्रेस देते हैं। अभी ये पंजाबी वाली है, सिटी वाली देखिए मोड़ में ये सीता है। आइए हाँ जी हाँ जी क्या हो रहा है? अच्छा मैं भी हेलो तो हेलो पहचानते बहुत खर्चीला हो जाता है, बहुत हो जाता है। जब मैंने कहा कि आप गाँव सेवा करते रहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। अभी क्या मैंने अब बाहर का वॉक मेरा बंद हो गया, मैं अभी अपने ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में ही आकाश कोई एक्सटेंशन हो रहा है आप कैसे जी पूरी दीवार जी और ये सब ब्रिक वॉल आपको साउथ केरला स्टाइल और इसमें जो ये पिलर्स दिखते हैं इनको लकड़ी के इफेक्ट की पॉलिश करी जाएगी तो ऐसा लगेगा लकड़ी के बड़े बड़े लाओ आपको लकड़ी कितने लोग तक डॉक्टर जी ये होंगे सर आराम से 50 साल हमारा टोटल कैपेसिटी मेडिकेशन 50 पीपल के लिए ऊपर हम जाएंगे भी नहीं कब्रों में। देखो जैसे यहाँ की बात करो स्वर्वे मंदिर जो बनारस में बनाया है वो एक्चुअली मेडिटेशन सेंटर है, नॉट टू एनी गॉड। तो मेरे को पता कि गॉड की फोटो लगा तो वो बैठे आ चुके वो बंदा, ये तो कबीर पंथ है किसी को मानते नहीं तो कोई देता नहीं। मैंने कहा ये करो पर उसके अंदर 125,000 लोग बैठे।
तो थाम सर इनका ट्रीटमेंट और थेरेपी सर नक्षत्रवासी का तो 100 प्लस इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक नॉलेज जयद्यनाथ के नाम से उसी को प्रयोग करके स्पेशली कोविड टाइम में हमारे अंदर ये भाव आया कि इस शिक्षा को उत्तर भारत में जो कि बहुत कम लोगों को पता है इसका प्रयोग यहाँ करना चाहिए। जो वनस्पतियाँ यहाँ लगी हैं जिसका नेचुरली व्हेन वी ब्रीद दोज उनकी एयर जो हम ब्रीद करते हैं तो स्वयं ही स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और उधर पर आज हम मुकेश जी का जो कि किसी पहचान किसी परिचय के मोहताज नहीं है हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभिवादन करते हैं वंदन करते हैं। मुकेश जी से इस परिवार का मानी शर्मा जी के समय से करीब 27 से 28 वर्ष पुराना संबंध है और स्वयं ही ये कहते हैं कि मैं किसी जगह बार बार नहीं जाता लेकिन इस परिवार से कुछ स्नेह मानी शर्मा जी ने जो जोड़ा वो आज तक चल रहा है। 5 बार आया हूँ मैं यहाँ पर, मैं कहीं नहीं जाता पर ये एक जगह है जहाँ मैं समझता हूँ कि प्लेस टू विजिट। यस, तो ये निरंतर आ रहे हैं और हम लोग भी इससे इनके ज्ञान से और इनकी यहाँ स्टे से हम लोग सबको भी आनंद आता है कि परिवार का ही एक हिस्सा हम लोग इनको मानते हैं। तो सिंस महाभारत उस समय सब दिल दिल में बसी हुई थी और वैसी महाभारत जैसा हमारा मानने बनी भी नहीं है दोबारा, तो आज हम लोगों ने सोचा हमारे सब अतिथिगण यहाँ पर हैं तो एक इंटरेक्शन मुकेश जी के साथ रखें। कुछ प्रश्नावली हमने बनाई है महाभारत रिलेटेड, तो जो प्रश्नावली हम आपसे पूछी जाएगी जो भी सही उत्तर देगा उसको छोटा सा शतम जीवा का गिफ्ट देंगे। सो नाइस टू हैव यू ऑल हियर। इट्स अ प्लेस विच इज़ डेवलपिंग आई वुड से। मैं ये मेहनत कर रहे हैं इनके मतलब इनके तीन लड़के संतान हैं बहुत एक है वो दूसरा किधर है तालिबान दाढ़ी वाला किधर है फुटबॉल खेल। तो यहाँ आप आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। इट्स अ प्लेस वेयर यू नो 100 एकर्स ऑफ लैंड इज देयर विच इज़ सपोज टू बी, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमको हवा मिलती है, मैं तो बता ये रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन है। मेरे पास घर में 19 पौधे हैं मैंने खिड़की में लगाए हैं, मैं रोज़ खुद खिड़की खोलता हूँ और एक मिनट खड़ा रहता हूँ और रोज़ सुबह उठ के पानी देता हूँ 19 में और मेरे मुँह से निकलता है कि रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन है। तो मैं दो मिनट एक मिनट तक सांस लेता हूँ जो डायरेक्ट आप कारखाने से ले रहे हैं। यहाँ तो इट्स अमेजिंग, यू हैव एवरी काइंड ऑफ ट्रीज एंड दे आर द वन। क्या हो गया आपका टाइम? पर एक सवाल का जवाब देते जाइए। पांडवों के नाम बताइए। सिर्फ सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्पॉटलाइट है इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूं, ऑब्वियसली रिलैक्स एंड रिप्लाई। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, चार हो गए। सबसे बड़ा भाई तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि ढाई घंटे में पेपर लिखना इज नॉट गुड। इट शुड बी ढाई घंटे में आदमी का दिमाग कब चले। बहुत बहुत आपको एंड क्या बोलते हैं आप लोग सेफ जर्नी क्या बोलते हैं सीधा जाओ क्या पता सिंगापुर नहीं दिल्ली से। चलो दो पांडवों के नाम बताइए जिनका वनवास काल में विवाह हुआ। दो पांडवों के नाम बताइए जिनका
वनवास काल में विवाह हुआ था और किसके साथ हुआ? घटोत्कच की मदर का नाम क्या था? अर्जुन की शादी देखा जाता है द्रौपदी से। ये सकते देखा ये राइट बिकॉज इसी वनवास काल में ही नहीं सर लाक्षाग्रह में हुई एक और हुई नहीं साहब लाक्षाग्रह में तो भागे थे वो लोग क्या बात है उसके बाद ही तो द्रौपदी से शादी हुई तो फिर वो वनवास चल रहा था ना नहीं सर वनवास में तो स्वयं द्रौपदी साथ में थी हां ये बात आपकी सही ये बात नहीं कह रहा हूं मैं ये भी राइट रोल में थे उस टाइम वनवास के टाइम वनवास के टाइम हां नहीं द्रौपदी द्रौपदी तो वनवास में का साथ साथ में थी और कौन है हमने क्या नाम बताया दो पांडव एक पांडव तो भीम हुआ तो फिर अर्जुन नहीं हुआ अर्जुन है दूसरा अर्जुन ही है सर अर्जुन ही है बट शादी द्रौपदी से नहीं हुई द्रौपदी से नहीं दूसरे से हुई थी उनका नाम कुछ और था प्रश्न में ये तो है नहीं किससे हुई एक अमेरिका से ठीक है ना और नाम बताइए जब लेकिन नाम भी बताइए और किसके साथ हुआ था मैं हाँ मैं तो बताता हूँ कृष्ण जी की कृष्ण जी के कृष्ण की सुभद्रा मणिपुर की रानी थी जब उन्होंने एक वर्ष का अज्ञातवास किया था अज्ञातवास के टाइम में हुई थी अज्ञातवास के टाइम पे हुआ था वो भी वो 11 साल का अज्ञातवास प्रश्न सही दिया उन्होंने दैट्स इंपॉर्टेंट ये लाइन जो है ना ये मुझे लगता है कांग्रेस से आई केरल से भी नहीं पता कौन से वॉर में कहाँ हुई थी वॉर कुरुक्षेत्र को दिया जाए यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा मैं कौन हूँ तब युधिष्ठिर बोले तुम ना यह शरीर हो ना इंद्रियां ना मन ना बुद्धि तुम शुद्ध चेतना हो जो सर्व साक्षी है तेरे फादर की तस्वीर थी यस बिट एविडेंट ओके गुड थैंक यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो शुभ प्रभात बोलने सीखो शुभ प्रभात क्या शुभ प्रभात बताओ इनको शुभ प्रभात Mukesh Khanna ji and I think I don't have much to say because we all know him.
He's so popular. He's a popular actor. He's a popular on TV, on debate shows, and everywhere. And he is taking up causes and teaching us on that. And if you hear his talks on his YouTube, you will have a lot to learn. So let us follow him and welcome him again at RNS. सबकी मां का इंट्रोडक्शन था। कोई बच्चा पूछता है कौन है ये, कोई बोलता है ये कौन है तुम्हारा, बोलता है ये मेरा सुपर हीरो है, ये तुम्हारा बैंड बजा देगा। देयर फर्स्ट सीन ऑफ द शक्तिमान जहाँ बच्चा गुंडों को, जो गुंडे उनको उठा के लेके जाते हैं, उनको शक्तिमान पे गोली मारते, कुछ नहीं होता उसको, गोलियां टिक 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 करके, तो बोलता है कौन है मेरे, ये कौन है, तो बच्चे बोलते हैं कौन है ये, बोलता मेरा सुपर हीरो है, ये तुम्हारा बैंड बजा देगा। And that was the beginning of the Shaktiman in 1997. We just celebrated 26 years of 13 September, jo abhi gaya hai, Shaktiman ka birthday tha. Shaktiman 13 September 1997 mein pehli baar Doordarshan par aaya tha. To har saal Shaktiman ke dost, fans all over India celebrate karte hain aur mujhko kehte hain sir kuch kariye na. Aur abhi to main aapko bata dun ki Shaktiman ki bahut badi level par film aane wali hai. Not a small film, not a small TV, not a OTT platform. It will be big screen, 100, 200, 300 crores worth of film. Three films, इसको trilogy बोला जाता है, एक साथ में बनेगी शक्तिमान के ऊपर, और बनाने वाले मैं तो हूँ साथ में, but Sony International है, तो you will be able to see शक्तिमान on a big screen. आप लोग को मुझे मालूम है आजकल Avengers में घुसे पड़े हो आप लोग, तो मैंने सुना सब वही मारवाड़ और वो आयरन मैन और ये दुनिया भर के सीजन ठाठा बड़े हो, शक्तिमान से बड़ा कोई नहीं है, आपको किसी के पास उतनी ताकत नहीं है जो शक्तिमान में है, किसी के पास, क्योंकि शक्तिमान पंचभूतों का बना हुआ है, उसका पूरे शरीर की ड्रेस उसको हमारे इस पंचभूतों से मिलती है। पंचभूत जानते हैं आप लोग क्या है, कोई बताएगा मुझे पंचभूत क्या होता है? चलिए बच्चों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई? हाँ इसको लोग कौन, तुमको पता है कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से फाइव एलिमेंट्स? वाटर, फायर। इसको दीजिए अभी माइक, इसको दीजिए, ये खड़ा हो गया है। ये तो चार हुआ। और क्या बात, आर्या बारे हिंदी में कहा जाए तो वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ, वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ, ऐसा याद रखिए आप। लेट्स कम टू महाभारत नाउ। हम यहाँ पर आए हैं महाभारत के कुछ जानकारियां बच्चों से जानने और पूछने और बताने। आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि देखा है महाभारत आप सब लोगों ने, कि अभी तक माँ बाप ने नहीं देखा है आपको? सबने देखा है ना? कौन से रंग की दाढ़ी थी मेरी उसमें? जानते मेरे को, मैं जब छोटा था तब मैंने व्हाइट दाढ़ी का रोल किया था 107। उसकी उम्र कितनी थी मालूम आपको? कितना? 2 साल। पितामह की उम्र कितनी थी? नहीं माँ, पितामह की उम्र 160 साल थी, 160 years। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको कोई नहीं मार सकता, किसी का भी तीर, किसी का भी कुछ हो, जब तक वो नहीं चाहेंगे उनकी आत्मा बाहर नहीं निकल सकती है, तो पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। कौन सी रणभूमि में हुआ? आई थिंक दिस वन द फर्स्ट वन। कुरुक्षेत्र में। यस, कहां पर है कुरुक्षेत्र पता आपको? हरियाणा। कुरुक्षेत्र, वेरी गुड, वेरी गुड। आज के बच्चों को मैं कहूंगा खासतौर पर शक्तिमान देखो ना देखो, महाभारत जरूर देखो, क्योंकि सीखने का महाभारत में जितना है शक्तिमान में नहीं। शक्तिमान आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, शक्तिमान आपको मॉरल वैल्यूज सिखाता है, शक्तिमान आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें सिखाता है, शरीर मंदिर है, बॉडी स्टैंडर्ड सिखाता है, इट इज समथिंग विच मेक्स द सोसाइटी पावरफुल। लेकिन महाभारत में आपको धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, दोस्त का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है,
क्या करना नहीं चाहिए, जुए नहीं खेलना चाहिए, ये सारी चीजें महाभारत में आपको मिलेगी। आपको महाभारत में व्यास मुनि ने सबसे पहले लिखा था, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब इस किताब में है, और जो कुछ भी इस किताब में नहीं है दुनिया में नहीं है। यू आर सो कॉन्फिडेंट 5000 इयर्स अगो। आपको पता है उस जमाने में धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? ये लड़का पहला सबसे पहले लड़का सेकंड रो में है, 100 पुत्र। कैन यू इमेजिन 100 पुत्र क्या करते होंगे, कैसे लड़ते होंगे, कैसे तैयार होते होंगे, कैसे झगड़ा करते होंगे? तो 100 पुत्र थे, जिसने सबसे ज्यादा नाम जो था वो सिर्फ दुर्योधन को लोग जानते थे। दुर्योधन के अलावा एक और भाई था, मैं ये नेक्स्ट सवाल पूछूंगा, अभी नहीं सोच के रखिए। सौ पुत्र बनना चाहोगे कि पांडवों के 5 पुत्र बनना चाहोगे? पांच बनना चाहोगे। बहुत करेक्ट सवाल देना जान दिया। और उसमें और भी नाम थे, लेकिन एक नाम सबसे ज्यादा बहुत मशहूर था, वो कौन था? चलिए उस लड़के को पकड़ी गिरी चढ़ रहा, क्या नाम था? दुशासन। दुशासन ने क्या किया था? क्या द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, उसको मालूम है। इसके ऊपर एक और सवाल पूछूंगा दुशासन के ऊपर, दुशासन को किसने मारा था? भीम। कैसे मारा? उसकी उसका ची और फिर उसका लघु किया था, और फिर द्रौपदी ने कहा था कि जब तक तुम मुझे उससे नहीं नहलाओगे तो तब तक मुझे नहलाओगे नहीं, जब तक अपने इस बालों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मुझे उसकी, और वो भी उसकी जान का गुड। पांडव कितने थे? 5। तुमने नाम दिया है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। युधिष्ठिर बड़ा था, भीम उसके बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद में नकुल और सहदेव, और पांचवा छठा जो था कर्ण था। आज आपको अगर तुम्हारी माँ बोलेगी इनमें से किसको तुम अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहोगे तो क्या बोलो? बट तुमको कौन लगता है कि 6 कैरेक्टर में द बेस्ट को चूज करा? स्वयंवर, और उस जमाने में स्वयंवर होता था। अर्जुन, मुझे मालूम है लोग अर्जुन को ही चूज करेंगे। बच्चों को सिखा देते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक वो 6 तक पहुंचेंगे उनको पूरा याद हो, एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग देम अंडरस्टैंड। इसके लिए हमें इस्कॉन टेम्पल से एक हेल्प भी मिल रहा है, वहां से गुरुजी आते हैं जो उनको हर मंडे हाउ टू चैंट ये सिखाते हैं। ये बच्चे इनका ये मिट्टी मिट्टी के बने हुए चीजें हैं, इनका दिमाग खाली है, इनका स्लेट खाली, इन पर जो लिखोगे वो जिंदगी पर पढ़ा रहे। हम जैसे बड़े लोगों को बोलो गीता पढ़नी है, मैंने क्यों पढ़े? इन बच्चों में कुछ नहीं होता, जो सिखाओगे सीखोगे, और जिस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स में दे विल स्टार्ट चैंटिंग दी मंत्र, बट चैंटिंग और मंत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमारे वेद पुराण में प्लेन कैसे बनाया जाए तक दिखाओ, ऑपरेशन कैसे किया जाए। हम बोलते हैं कि दुनिया भर के लोगों ने प्लेन बनाया, नहीं साहब हमने बनाया हजारों साल पहले,
ये राइटर्स बंधु ने प्लेन नहीं बनाया, हमारे यहाँ पर प्लेन आप किताबें पढ़ें उसमें आपको मिलेगा कि प्लेन का पुष्पक निर्माण रावण के पास था। सो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने अपनी संस्कृति को वापस लाने की आवश्यकता है। ओके गुड, आई एम हैप्पी अगर आपने सब किया तो बहुत अच्छा, और सारे स्कूलों को फॉलो करना चाहिए क्योंकि संस्कृत मैं सीखना चाहूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं सीख पा रहा क्योंकि हमारा दिमाग अभी ओवर क्राउडेड हो जाता है। आप लोगों को दिमाग अभी भी खाली, यू मस्ट स्टार्ट लर्निंग द गीता में जिंदगी के जीने का रहस्य है। For me, 100% Bhishma International gave me the success which the my 15 films before Mahabharat flop ho rahi thi, nahi diya hai. Bhishma Pitamah gave me success, respect, awe. People say that aapko kya karna hai dialogue tha, aapko itne bade bade dialogue bol gaye. So for me, it was Bhishma Pitamah who gave me success. आपसे अपने बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, परछाई वाला डायलॉग एक बार आप मेरे बच्चों को सुना दीजिए, देन आई प्रॉमिस यू जो आपने बोला है वो बच्चे करेंगे। एंड प्लीज लिसन टू दिस, यू विल रियली फॉल इन लव विद भीष्म पितामह अगेन, प्लीज सर। देखिए गांधारी आती है भीष्म पितामह के पास में, पास में यहाँ से बोलती है कि आप धृतराष्ट्र को आदेश क्यों नहीं देते, why are you letting this thing go on, आप क्यों नहीं देते, चुप रहो, आदेश क्यों नहीं देते। तो वो उस वहां पर डायलॉग था, आदेश देखा मेरा धर्म नहीं है, रुद्री मेरा धर्म है, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए उस रुद्री कि सूर्य के अस्त होने के अधिक समय नहीं रहेगा। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे लगा। आप कहते हैं मैं जीते जी थक गया हूं पुत्र, मुझे तुम्हारे पुत्र भी प्रिय हैं और कुंती के पुत्र भी प्रिय हैं, मैं नहीं चाहता कि इतिहास उन्हें किसी एक पक्ष में खड़ा हुआ देखे, इसीलिए तो मैंने राज्य का विभाजन का स्वीकार कर लिया था, परंतु लगता है कि मुझे भारतीय कर्ण की गुरु भरिया में छोड़ दिया है कि मार खोजो, आप चाहते पितामह मैं दो बोलन को शाप दे दू, अरे नहीं पुत्री शाप में मां के मुंह से पुत्र के लिए शाप नहीं, आशीर्वाद दो, उसे आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए, उसमें समझ आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके सुवचन और इन स्कूल स्कूल के बच्चों के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत वंदनीय है, मन से आत्मा से आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आगे अपनी शिक्षा दी, मार्गदर्शन दिया और अपने 160 वर्षों का अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया, आपको पूर्ण प्रणाम, थैंक यू सो मच। I'd like to request Honorable Chairperson Ma'am to please present the souvenir, Shri Mukesh Sharma Ji.